हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में इस मेकअप लुक को शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी सिंपल सोबर, बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में और बहुत ही कम टाइम के साथ में मैंने ये मेकअप लुक लिया है। आप इस मेकअप लुक को किसी भी ओकेज़न पर ले सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में ले सकते हैं, किटी पार्टी के लिए ले सकते हैं, घर पर डेली यूज़ में ले सकते हैं, कॉलेज अगर आप जा रहे हैं तब इस लुक को आप आराम से ले सकते हैं, ऑफिस अगर आप जा रहे हैं तब भी आप इस लुक को बहुत आराम से ले सकते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में आज मैं आपको ये लुक कर दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी फेस को, मतलब मैं नहा कर आई थी तो मेरा फेस ऑलरेडी वॉश था, बट आपका अगर फेस वॉश नहीं हो तो आप बहुत अच्छे से क्लिनजिंग मिल्क से अपना फेस जो है वो क्लीन कर लें। मैंने अभी बिल्कुल मैं नहा के आई हूँ, मेरे बाल भी काफ़ी गीले हो रहे हैं, तो मैंने ओनली फॉर मॉइस्चराइज़र लगाया है और मॉइस्चराइज़र मैंने निविया का यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करे आप वो यूज़ करें। और उसके बाद में अब आप देख सकते हैं मैं NYVA का प्राइमर ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा प्राइमर होता है। आपको मेकअप अगर कभी भी आप कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट आपको मेकअप प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मेकअप ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन पर स्टे नहीं करता है। और जो आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से फाउंडेशन या कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हैं, फाउंडेशन कंसीलर, वो बहुत अच्छे से ना ब्लेंड होता है अगर आप प्राइमर अच्छे से यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये है ओरिगन ऑयल सीरम बेस फाउंडेशन लैक्मे का, और मैं इसको बहुत ही लिटिल बिट लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट कवरेज चाहिए। मैं आप लोगों को डेली में, आप लोग जिस तरीके से अपने ऑफिस या अपने कॉलेज या फिर घर पर भी जिस तरीके से मेकअप करें, मैं वो लुक आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इस लुक को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने फेस पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बहुत ही लिटिल बिट यूज़ करना है। आप इसकी जगह पर अगर चाहें तो BB क्रीम, CC क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बट मुझे ये सीरम बेस्ड जो फाउंडेशन है ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो हमें इस तरीके के ही फाउंडेशन यूज़ करने चाहिए। मतलब थोड़े लिक्विड फाउंडेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन की जो ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है मेकअप के बाद, वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैं लैक्मे की ही कवर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये एक तरीके का कंसीलर है, काफ़ी अच्छी कवर स्टिक है ये, और इसको भी मैं बहुत लिटिल बिट लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ओनली फॉर माउथ के अराउंड मैंने लगाया और अंडर आई एरिया को हल्का सा कवर किया। बहुत ज़्यादा कवरेज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम लोग दिन में मेकअप करते हैं या फिर हम ऑफिस जा रहे हैं मेकअप करके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बेस तैयार कर लेते हैं तो वो जो पास में हमारे कोई होता है, अगर हमारे जो साथ में काम करते हैं, उन लोगों को हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप दिखाई देता है, बहुत ही ओवर फीलिंग आती है मेकअप की। तो हमें बेस जो है वो बहुत ही लाइट तैयार करना है, ताकि बिल्कुल भी पास में जो है हमारे, जो हमारे साथ में काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है। एक तरीके से मेकअप भी हो और नो मेकअप फेस भी लगे देखने में, तो इस तरीके का मेकअप कर रहे हैं आज हम। तो अब मैं फेसेस कनाडा का फिक्सर पाउडर ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा फिक्सर पाउडर और कॉम्पैक्ट है ये, यूज़ करके देखिएगा आप लोग, और आप लोग अपनी कलर टोन का लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि मैम हमारा जो मेकअप होता है वो डार्क हो जाता है, हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता। तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा इसीलिए होती हैं, आप लोग कलर सही से नहीं चुनते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ आईब्रो को डिफाइंड, और ये मैंने ली है पर्पल की आईब्रो पेंसिल, ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है ये, एक तरीके का काजल है ये, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। काजल पेंसिल जो आती है वो भी आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी काजल पेंसिल और आईब्रो पेंसिल है ये। इस तरीके से मैंने ब्राउन कलर से अपनी आईब्रो को हल्का सा डिफाइंड किया, और अब मैं ब्रश की हेल्प से इसकी अच्छे से मर्जिंग कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी मेरी आईब्रो में ऐसा ना लगे कि अलग से पेंसिल टाइप की चली हुई। तो उसके लिए हमें ब्रश से बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, और अब आप देखेंगे कि कितनी अच्छे से मेरी आईब्रो जो है वो फिल हो गई हैं। तो इस तरीके से करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो आईब्रो है, ब्राउन कलर मुझे आईब्रो के लिए सबसे बेस्ट लगता है। ब्लैक कलर भी यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेयर है, मतलब आप की थ्रेडिंग का जो बाल है वो किस तरीके का है। आपका बाल अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है और उस पर आप ब्राउन कलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ब्लैक कलर के ऊपर आपको लाइट ब्लैक कलर ही यूज़ करना चाहिए, बहुत हल्का हल्का, और आपके आईब्रो अगर बहुत हल्की हैं तब आपको ब्राउन कलर यूज़ करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कलर बार की आई शेडो पैलेट लिया है, और उसमें से मैं ले रही हूँ गोल्डन शेड, और ये गोल्डन शेड मैं अपनी
पूरी आईलिड के ऊपर यूज़ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। ये फ्लफ़ी ब्रश है, काफ़ी अच्छे ब्रश होते हैं ये। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने हर वीडियो में ब्रश का ज़रूर देती हूँ लिंक आप लोगों को, तो आप लोग एक बार सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के सारे लिंक चेक किया कीजिए। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के लिंक देती हूँ इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर। इस टाइम पर नौ दुर्गे क्योंकि चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इन सभी कॉस्मेटिक जितना भी मैंने आपको दिया है इसके ऊपर, मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बार देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के और एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा। अब आप देख रहे हैं मैंने कलर बार के इसी पैलेट से हल्का सा रेड शेड लिया था और बहुत हल्का सा लगाया क्योंकि मुझे आई शेडो वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं अब मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार की काजल पेंसिल। काफ़ी अच्छी काजल पेंसिल है ये और इसको इस तरीके से मैं अपने आँखों के नीचे वाले पार्ट पे यूज़ करती हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप लाइनर लगाती हैं क्या नीचे। मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ नीचे, मैं ओनली फॉर काजल पेंसिल यूज़ करती हूँ और उसी से मेरा जो है बहुत अच्छा आता है आँखों का लुक, क्योंकि मेरे ऊपर यही सबसे ज़्यादा ईजीली चलता है ये मेकअप। जब मैं आप लोगों को कोई हैवी मेकअप करके दिखाती हूँ तो मैं ऊपर लाइनर वगैरह सब यूज़ करती हूँ, बट मैं अभी नहीं करती हूँ इस टाइम पे। ये मैं आपको डेली का दिखा रही हूँ जिसमें मैं जिस तरीके से अपने पार्लर वगैरह में भी मैं जाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये है लोरियल की आई शेडो पेंसिल। ये पेंसिल फॉर्म में आई शेडो है गोल्डन कलर का। ये मैंने अपनी वाटर लाइन पर यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इससे क्या होता है मेरी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडा की मैट लिपस्टिक। बहुत अच्छी लिपस्टिक होती है गाइज, बहुत ही पिगमेंटेड होती हैं ये लिपस्टिक। मेरी पहले भी आप लोगों ने ये वीडियो में काफ़ी बार देखी होगी क्योंकि मैं अगर डेली में कभी भी लगाती हूँ तो या तो लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ या फिर इस तरीके की लिपस्टिक लगाती हूँ। और आप लोग देखेंगे कि ये लिपस्टिक काफ़ी टाइम तक चलती है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छा मतलब पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है। आपके होठों पर वन टाइम टू टाइम एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छी कवरेज देती है और काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी बटरी सॉफ्ट है। इसको यूज़ करने के बाद बहुत लाइट लाइट फील होता है और आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो काफ़ी अच्छी मुझे ये लिपस्टिक लगी, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ब्लशर या हाइलाइटर यूज़ नहीं किया था अभी तक और मैं ब्लशर यूज़ करूँगी भी नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पर मैं मैवलिन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ही लाइट वाला हाइलाइटर है, मतलब आपके फेस पर हल्की सी शाइन देगा बट ओवर शाइन बिल्कुल नहीं देगा। मतलब आपको ये, क्योंकि ये मेकअप हम लोग बहुत लाइट लाइट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपने पार्लर में भी रहती हूँ इतना मेकअप करने के बाद, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा होगा। और आज का आप मेरा लुक देख सकते हैं, मैंने इस तरीके के जो कपड़े हैं वो पहने थे। आप इस टाइप के इंडो वेस्टर्न कपड़ों पर भी इसको पहन सकते हैं, आप इसको ट्रेडिशनल लुक के तरीके से भी ले सकते हैं, साड़ी या सूट के साथ में भी आप लोग बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं इस मेकअप को। और जितने भी आने वाले फेस्टिवल हैं जैसे कि करवा चौथ हो गई, नवरात्र अब चल ही रहे हैं, तो हम लोग डेली में इतना मेकअप कर सकते हैं। हल्के फुल्के किसी बर्थडे में अगर हमें जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं, हम लोग अपनी किटी पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसको कर कर जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही लाइट है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।